नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मोदी सरकार के एक फैसले से बीजिंग हिल गया। शंघाई में खलबली मची है। जिनपिंग सिर पकड़कर बैठने वाले। इंडिया से दुश्मनी चीन को इतनी भारी पड़ने वाली है कि चीनी दुकानों के शटर डाउन होने वाले। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, हमारे पास एक एक प्रूफ है। चीन को भारत के करंट से कितने का फटका लगा है, शी जिनपिंग क्यों बेचैन हो गए, ये सब इस रिपोर्ट में है। भारत ने चीन का शटर डाउन करने का बंदोबस्त कर लिया है। चीनी कंपनियां भारत के सामने गिड़गिड़ाने वाली हैं। आर्थिक मोर्चे पर चीन को ऐसा झटका लगने वाला है कि उसकी पुश्तें इससे उबर नहीं पाएंगी। हिंदुस्तान में बायकॉट चाइनीज का नारा इन दिनों हर जुबां पर है। कहीं टीवी तोड़े जा रहे हैं, कहीं मोबाइल फोड़े जा रहे हैं और कहीं चाइनीज सामानों को बैन किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनियों के 5,000 करोड़ के ठेके रद्द कर दिए। यूपी की योगी सरकार ने घरों में लगने वाले चाइनीज मीटर के ठेके को रद्द कर दिया और 8,000 मीटर वापस चाइना को भेज दिए। इससे पहले केंद्र सरकार ने चाइनीज कंपनियों के ठेके और बीएसएनएल में लगने वाले 4G उपकरणों के ठेके रद्द कर दिए थे। हमने सीमा से तो चाइनीज सैनिकों को आउट कर दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि देश के एक एक घर से और अपने बाजार से चीनी उत्पादों को आउट कर दें। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। बायकॉट चाइनीज का नारा लगाकर घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, इसलिए भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कुछ बड़े और अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने अपने ई कॉमर्स प्लेस यानी GEM पर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी जहां उसे बनाया गया उस देश का नाम पूछा है। प्रोडक्ट की तस्वीर के साथ लिखना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट किस देश में बना है। इसके साथ अब ई कॉमर्स वेबसाइट पर मेक इन इंडिया फिल्टर भी लगाना होगा, जिससे खरीदने वालों को ये पता चल सके कि जो सामान खरीदा जा रहा है वो भारत में बना है या नहीं। जिस प्रोडक्ट में 50% से ज्यादा भारत के कच्चे माल का इस्तेमाल हुआ है उसे ही प्रायोरिटी दी जाएगी। वैसे इससे बचने के लिए चीन ने एक नया पैंतरा आजमाया है। मेड इन चाइना की जगह अब चाइनीज प्रोडक्ट पर मेड इन PRC लिखा रहता है। यहाँ PRC का मतलब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब भारत सरकार का ई मार्केट प्लेस क्या है उसे समझिए। दरअसल डिजिटल इंडिया मिशन के तहत साल 2016 में ई मार्केट प्लेस की शुरुआत हुई थी। इस ई मार्केट प्लेस के जरिए कोई भी सरकारी विभाग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकता था, केंद्र हो या राज्य। इस ई मार्केट प्लेस पर 40,000 से ज्यादा खरीदार हैं। इस ई मार्केट प्लेस को सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए बनाया है। इस पर 3,93,000 से ज्यादा सप्लायर मौजूद हैं। इस ई मार्केट प्लेस से पिछले साल 17 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट बेचे गए थे। 2019 में इससे 25,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। अब सरकार के फैसले का क्या असर होगा इसे समझिए। पिछले साल चीन ने 5,00,000 करोड़ का सामान भारत भेजा और भारत से चीन ने सिर्फ 1,30,000 करोड़ का सामान खरीदा। आयात और निर्यात के बीच तकरीबन 3,70,000 करोड़ का फासला था। चीन की कंपनियों ने 1,40,000 करोड़ के स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत को बेचे हैं। मोबाइल मार्केट में चाइनीज कंपनियों की हिस्सेदारी 71% हो चली है, जबकि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। टीवी मार्केट में चाइनीज कंपनियों की हिस्सेदारी 38% है, जबकि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी सिर्फ 9% है। इसलिए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन को भी चाइनीज प्रोडक्ट की बिक्री का पूरा ब्यौरा देने को कहा है। इस वक्त घर घर में चीनी सामान की घुसपैठ हो चुकी है। अगर भारत का एक एक नागरिक चीनी सामान के बहिष्कार का अब से निर्णय ले ले तो हालात बदल सकते हैं। हर साल चीन को हम 5,00,000 करोड़ का फटका लगा सकते हैं। यानी सीमा पर चाइनीज को हमारी सेना मारेगी, आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार मारेगी, कूटनीतिक मोर्चे पर भारत के दोस्त अमेरिका और रूस मारेंगे।